यह भारत की धरा सदा से ही सिवण संस्कृति की गौरवपूर्ण इतिहास की साक्षी है। संयम साधना तब से सिंचित रही है। अंतिम तीर्थेश्वरी 1008 महावीर भगवान के शासन में नमोस्तु शासन, जिन शासन में ज्ञानी ध्यानी तपस्वी निर्गंत आचार परंपरा अक्षुण रूप से प्रवाहमान है। महाप्रज्ञावंत आचार्य भगवान आदि सागर जी की परंपरा में भी महान तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति, तप संयम की मूर्ति आचार्य विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मती सागर जी मासोपवासी जी थे और आज भी हमारे बीच ऐसे ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी परोपकारी गणाचार्य इक्ष्वाकु विराट सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अध्यात्म योगी चेतन रसायन के अन्वेषक वीतरागी वैज्ञानिक पूज्य गुरुदेव इक्ष्वाकु विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में सिवण मुनि श्री इक्ष्वाकु श्वेत सागर जी जो निर्जल उपवास कर रहे हैं, जो कि समेत शिखर जी में विराजमान हैं। वही अनुत्तर सागर जी आचार संग में 24 पिच्छियों के साथ वासव कुंड वैशाली विहार में विराजमान हैं। इस चतुर्मास काल में 153 दिनों में 117 निर्जल उपवास की साधना में लीन हैं। वे 4 दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं और कई बार 5 दिन के अंतराल में भी पूज्य गुरुदेव आहार करते हैं। आचार्य भगवान के अन्य तपस्वी शिष्य मुनि श्री आराध्य सागर जी जो वर्तमान में 2 पिच्छियों के साथ उज्जैन में विराजमान हैं, जो कि उत्कृष्ट सिंह निष्कीर्ण व्रत की कठोर साधना में लीन हैं। पूज्य मुनि श्री 557 दिन में 496 निर्जल उपवास कर रहे हैं। इस साधना को वर्तमान में करने वाले मुनियों में वे अग्रश्रेणी में स्थिर हैं। इस साधना के अंतर्गत ऐसे अनेक प्रसंग आएंगे जब वे महीने में एक ही या 2 आहार करेंगे। इसके पूर्व भी अनुत्तर सागर जी ने अपनी साधना काल में 1200 उपवास कर चुके हैं। पूज्य मुनि श्री का 3 रस का त्याग भी चल रहा है। अनशनादि तपों में उनके शरीर जैसे हाड़ पर मात्र चर्म शेष हो ऐसा उनका तेज वृद्धिगत हो रहा है। उनकी गुरु भक्ति साधना के अनुराग एवं षड आवश्यक क्रियाओं में उत्साह के लिए आदर्श है। शरीर दुर्बल होने पर भी प्रमात्र चर्या उनके आत्मबल को सूर्य के तेज युक्त प्रकाशित कर रही है। पूज्य मुनियों की साधना शिक्षा दीक्षा गुरु अध्यात्म योगी इक्ष्वाकु विशुद्ध सागर जी के असीम आशीर्वाद और दिशा निर्देशन अनुसार चल रही है, जो अपने शिष्यों के साथ साथ अन्य परंपरा के साधु साध्वी की निर्दोष चर्या का पालन हो, तप साधना में वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना हमेशा बहती रहती हैं। ऐसे महान आचार्य भगवान के पावन चरणों में और मुनिराजों के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।